हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स 2022 के लिए हम लोगों ने एमएचटी सीईटी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट की है। मतलब इसके ऑलरेडी 11 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें स्पेशली मैं आपके लिए 2021 के PYQs लेके आई हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो एंड तक देखिए, सभी क्वेश्चन 2021 के सभी क्वेश्चंस लाने की मैंने कोशिश की है। तो ज़रूर हो सके तो वीडियो एंड तक देखो और सभी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आगे का वीडियो प्ले करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ द टू कॉइल्स। बच्चों, हो सके तो फॉर्मूले की लिस्ट लेके बैठो। फॉर्मूले अभी आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने ही चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ द टू कॉइल्स इज गिवन एज 3.6 हेनरी इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स आर L1 इज इक्वल टू 16 हेनरी, L2 इज इक्वल टू 9। मतलब देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस M उन्होंने देख के रखा है, M इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 3.6H, एंड L1 इज इक्वल टू देख के रखा है, सिंपल है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, L2 इज इक्वल टू 9H। पॉज करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करके देखो। देन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल इज, बच्चों K निकालना है हमें, K का फॉर्मूला सबको पता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, M डिवाइड बाय अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब के L1 इंटू L2, दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो, बस सॉल्व करो, 3.6 डिवाइड बाय L1 कितना है यहाँ पे, L1 16 देके रखा है, इंटू 9, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा, 3.6 डिवाइड बाय अंडर रूट 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 12, मतलब 3.6 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 3.6 को मैं सॉल्व करती हूँ, 36 लेती हूँ इंटू 10^-1 हम लोग कर देते हैं, पॉइंट शिफ्ट किया तो राइट में शिफ्ट करने के बाद माइनस लेना है, लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद प्लस लेना है, तो 12 थ्री ज़ा बनेगा ये, एंड 3 इंटू माइनस वन मतलब कितना, 10^-1 मतलब ये 0.3 आएगा एक्चुअली, लेकिन उन्होंने किस में पूछा है आपको, परसेंटेज में पूछा है ना, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज के लिए 0.3 इंटू 100 करो, 0.3 इंटू 100 किया तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 30%, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस। 25 सितंबर 2021 का सवाल था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो वेक्टर चैप्टर आपको आना चाहिए इसके लिए, मैथमेटिकल मेथड्स 11 का, उसी से रिलेटेड, मतलब वही फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सर्टन रीजन इज गिवन बाय ई बार इज इक्वल टू, ई बार देखे रखा है वेक्टर फॉर्म में दिया है, ई बार इज इक्वल टू क्या दिया है, दैट इज इक्वल टू 2E0i कैप + 3E0j कैप -5E0k कैप, ओके, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेयर E0 की वैल्यू क्या देके रखी है, E0 इज इक्वल टू 100 N/Coulomb, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, एरिया देके रखा है, ए बार इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो 0.2 m². बच्चों एक मिनट, यहाँ पे 0.2 m² इज केप्ट इन दिस रीजन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे बोला है उन्होंने, केप्ट इन दिस रीजन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इसको एरिया वेक्टर को मैं लिखती हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, 0.2 j कैप होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.2 j कैप, ओके, मीटर स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमें करना होगा, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्फेसिस, मतलब हमें फाई निकालना है, तो फाई फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्फेस इज इक्वल टू क्या आएगा, ई बार डॉट ए बार होता है ना, तो ई बार जो है वो पुट करो, क्या है ई बार, दैट इज 2E0i कैप + 3E0j कैप - 5E0k कैप, ओके, डॉट
डॉट ए बार, ए बार कितना है 0.2 j कैप, 0.2 j कैप। तो यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, देखो एक्चुअली जे कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप के साथ ही होता है। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 0 i कैप प्लस 0.2 j कैप, बस हमें जे कैप ही दिया है और 0 k कैप। ओके, सो इन दोनों का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये दिस इंटू दिस, आई कैप की टर्म आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होती है तो 0 मिलेगा, प्लस जे कैप की टर्म जे कैप के साथ तो 3 e 0 इंटू 0.2 मिलेगा। ओके, के कैप की टर्म के कैप के साथ तो ये भी हमें 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें बस कितना मिलता है 0.2, एक सेकेंड ना, 0.2 इंटू 3 कितना होगा 0.6 होगा, 0.6 e 0, एंड ई जीरो की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज इक्वल टू 100। तो ये पुट करो, 0.6 इंटू 100 करो, कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 60। ये कितना होगा, 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मुझे क्या मिलता है, फ्लक्स 60, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एक्चुअली ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन बच्चों को आई कैप जे कैप देख के थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज 0.5 हेनरी, मतलब एम देके रखा है, एम कितना दिया है 0.5 हेनरी, है ना। आगे पढ़ो, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट आर 20 ओहम एंड 5 ओहम, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर पता है आप लोगों को, प्राइमरी आर पी कितना देके रखा है 20 ओहम, एंड सेकेंडरी मतलब आर एस कितना देके रखा है 5 ओहम, सेकेंडरी एंड प्राइमरी के लिए 20 ओहम एंड 5 ओहम रिस्पेक्टिवली। टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मतलब आई टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन द सेकेंडरी, मतलब आई एस आपको कितना चाहिए, आई एस कितना चाहिए 0.4 एम्पियर सेकेंडरी कॉइल में हमें जनरेट करना है करंट। इन द सेकेंडरी करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट द रेट ऑफ, देखो मतलब प्राइमरी का करंट चेंज, इसके लिए बच्चों हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ई का फॉर्मूला, ई वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, ई एस इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का ई एम एफ, मतलब देखो ये दो कॉइल्स हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, अगर इसके फ्लक्स यहाँ पे इस कॉइल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे करंट जनरेट होता है, राइट, या फिर यहाँ सेकेंडरी के फ्लक्स प्राइमरी की तरफ आए तो यहाँ पे करंट, ड्यू टू दिस फ्लक्स यहाँ यहाँ से करंट फ्लो होगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ओनली फ्लक्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो वो करंट हम लोग कैसे लिखते हैं, एम इंटू मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी करंट रेट, मतलब डी आई पी प्राइमरी कॉइल का करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा फॉर्मूला होता है उसका, है ना। तो हमें उन्होंने ये निकालने के लिए बोला है, तो ये निकालने के लिए पर, लेकिन ई एस हमें निकालना होगा, ई एस का फॉर्मूला क्या आएगा, अभी देखो यहाँ आर पी देख के रखा है प्राइमरी, आर पी की वैसे ज़रूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे आर पी को ही रेजिस्टेंस को ही यूज़ कर लेंगे, लेकिन सेकेंडरी का ई एम एफ और प्राइमरी के करंट की वजह से, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है डी आई पी डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ये ई एस एज इट इज रहेगा, एम इस साइड आके डिवाइड होगा, ई एस हम लोग क्या पुट करेंगे, ई एम एफ इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस आएगा, करंट इंटू रजिस्टर डिवाइड बाई एम, ये सभी वैल्यूज आपको पता है, बस वैल्यूज पुट कर दो एंड उसको सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो डी आई पी डिवाइड बाई, यही हमें निकालना है करंट रेट, इज इक्वल टू आई एस कितना है, आई एस है 0.4 एंड ई एस आर एस कितना है, दैट इज 5, डिवाइड बाई डी एम, एम कितना है 0.5। तो बच्चों को पॉइंट का कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो मैं इजी कैलकुलेशन करके देती हूँ, 4 × 10⁻¹ कर लो, 5 एज इट इज रखो, सिमिलरली 5 × 10⁻¹ कर दो, 5 5 यहाँ पे कैंसिल होगा, 10⁻¹ यहाँ पे कैंसिल होगा, बचेगा बस 4 एम्पियर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बस आपको फॉर्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकालो, 27 सितंबर 2021 का सवाल था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 29 सितंबर 2021 का सवाल है, शिफ्ट वन में. एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ करंट इन इट इज चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर इन वन डिरेक्शन टू 10 एम्पियर इन अपोजिट डिरेक्शन. ईएमएफ देखे रखा है 2 वोल्ट, इज इक्वल टू कितना दिया है 2 वोल्ट. एंड करंट चेंज मतलब डेल्टा आई इज इक्वल टू, चेंज इन करंट हम डेल्टा आई से डिनोट करते हैं, 10 एम्पियर इन वन एंड 10 एम्पियर इन अदर, मतलब दूसरी डिरेक्शन में -10 आएगा, पहली डिरेक्शन में 10. तो 10 + 10 कितना बनेगा, ये 20 एम्पियर बनेगा, है ना. डेल्टा आई की वैल्यू 20 एम्पियर. आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या है. इन अपोजिट डिरेक्शन इन 0.5 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे के रखी है 0.5 सेकेंड. डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. ओके, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल निकालना है. एल इज इक्वल टू वॉट, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला. तो इससे एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई इंटू, ये वैल्यू अगर इधर शिफ्ट की तो डेल्टा टी ऊपर जाएगा, डेल्टा आई नीचे आएगा. डेल्टा टी डेल्टा आई सभी वैल्यूज पता है, ई पता है, ई कितना है 2, डेल्टा टी कितना है 0.5. कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बच्चों, आपको लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे. एंड ये 20 मतलब ये बनेगा 2 टेंजा. ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा 5, इसको मैं 5 कर दूँ, क्यों बताती हूँ, एक मिनट रुको, डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं. कितना बनेगा ये 10 से डिवाइड किया तो 0.05 बनेगा, है ना, 10 से डिवाइड करो 0.05. लेकिन मिली हेनरी में ऑप्शंस दे के रखे हैं, मिली मतलब क्या होगा, -3 लगना चाहिए, -3 चाहिए ना हमें. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 3 डिजिट हम लोग शिफ्ट करेंगे, यहाँ 0 है तो मैं 3 डिजिट शिफ्ट करूँगी. मिली के लिए 10⁻³ लगता है तो 3 में राइट में शिफ्ट करूँगी, 1, 2, 3, मतलब देखो 50 × 10⁻³ करेंगे हम लोग इसको, इसका मतलब 50 मिली हेनरी. वैसे यहाँ पे 5 दिख गया समझ लो, यहाँ 50 है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग का सोचने के बाद आप लोग वापस आंसर टिक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा 50 मिली हेनरी. बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन, बस फॉर्मूले लर्न रहे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट निकालो, 29 सितंबर 2021 का सवाल था. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मुझे वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे डबल किए हैं, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन एल ए. ये फॉर्मूला यूज करना होगा हमें यहाँ पे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए. तो यहाँ एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के, है ना, ये फॉर्मूला यूज करना है. तो एन डबल किया है, एन अगर डबल किया तो ये 2n में पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, n म्यू नॉट, ये 4 टाइम्स बन जाएगा, 4n² la, मतलब ये कितना हुआ, 4 टाइम्स बढ़ गया, भी 4 टाइम होगा. ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, सभी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 सितंबर का है, 2021 का क्वेश्चन देखो क्या है. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वेरीज विद टाइम, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव आना चाहिए सबको, वेरीज विद टाइम, फाई इज इक्वल टू 3t² + 4t + 7 देके रखा है ना. फाई की वैल्यू दी है, फाई इज इक्वल टू 3t² + 4t + 7, और हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, उसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है. तो क्या आएगा देखो, डी बाई डी टी इन ब्रैकेट 3t² + 4t + 7 इज इक्वल टू 3t² मतलब 6t आएगा यहाँ पे, प्लस 4t मतलब 4 आएगा और ये 0 बनेगा. ओके, तो ये हमें कौन से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, ये e इज इक्वल टू मिला मुझे, तो e फॉर 2 सेकेंड के लिए क्या आएगा देखो, मतलब हम t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 × 2 + 4, मतलब देखो क्या आएगा, 6 × 12 + 4 मतलब कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट. 16 वोल्ट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. डेरिवेटिव लेना था यहाँ पे, डेरिवेटिव का यूज़ करके इसको सॉल्व करना था. ओके,
ये था 23 सितंबर 2021 का क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 20 सितंबर 2021 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, एल दिया है 0.6 मीटर, एल इज इक्वल टू 0.6 मीटर दिया है। मूव विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब वी दे के रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वेयर, मतलब बी, बी कितना लेके रखा है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ओके, और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बी इंटू एल इंटू वी, ये फार्मूला यूज करना है। बी कितना है 1.2, सबका बस मल्टीप्लीकेशन करना है, इंटू 0.6 इंटू ये 10, तो 7.2, एक मिनट, हाँ यस 7.2 ये आंसर मिलना चाहिए, 7.2 वोल्ट, ये वाला बी ऑप्शन, अगर मल्टीप्लीकेशन किया डायरेक्टली तो 7.2 वोल्ट ये हमें आंसर मिलेगा। बहुत सिंपल सवाल था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी आसान है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच क्वांटिटी इंक्रीज इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या पावर इंक्रीज होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू, एक मिनट, नंबर ऑफ टर्न्स, आई एस अपॉन आई पी, राइट ना। तो यहाँ पे क्या, कौन सी क्वांटिटी सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ईएमएफ बढ़ाना है ना। तो ट्रांसफार्मर में ये वीएस, मतलब सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ये क्वांटिटी सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज होती है। कौन सा, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच क्वांटिटी इंक्रीजेस इन द सेकेंडरी कॉइल, तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, ये याद रखो, इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग रेजिस्टेंस आर फॉल्स फ्रॉम हाइट एल इन अर्थ। देखो यहाँ पे है ना, हमें वी का फॉर्मूला क्या लेना है बच्चों, वी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, रूट टू जी एल आएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि फॉल्स फ्रॉम हाइट एल, यहाँ एल है, एल इन अर्थ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वी के लिए, रूट टू जी एल। आगे क्या बताया है उन्होंने, द करंट थ्रू द वायर इज, करंट मतलब आई, आई का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, ई डिवाइड बाई आर आएगा, है ना। एंड ई एम एफ का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू बी एल वी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले। तो ई इज इक्वल टू क्या, बी एल वी कितना है यहाँ पे, रूट टू जी एल, ओके। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, करंट चाहिए हमें, ई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एल, ई डिवाइड बाई आर, तो ई कितना है, बी एल अंडर रूट टू जी एल डिवाइड बाई आर, बी एल अंडर रूट टू जी एल डिवाइड बाई आर, ये कैपिटल एल है यहाँ पे दिया हुआ, डिवाइड बाई आर, मतलब ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम है, फॉर्मूले ज़्यादा है, फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन डिपेंड है, और आगे का थेरोटिकल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये थेरोटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन इन अ प्राइमरी कॉइल, नेवर, वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मोर होता है देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब सी ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट है ना, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। इक्वल टू तो नहीं होता, प्राइमरी कॉइल का जो करंट है दैट इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल होता है। 21 सितंबर 2021 का क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, थेरोटिकल क्वेश्चन था। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अभी आगे मैं सभी चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ और सभी 2021 के ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी बस 4 चैप्टर बचे हैं, जल्दी से अपलोड हो जाएंगे, सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर सॉल्व करें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।